Anything which we personally do between humans, Internet of Things, everything needs to communicate, and there are different wavelengths on which communication can be established. One, the oldest wavelength was a sound wave, in which we communicated through the sound, through the voice sound, and then of course lights and what we saw, that became a source of communication. And then it was understood that there are waves and communication possibilities in spectrums which are not the visible spectrum of light. Looking at Pakistan itself, therefore, मैं समझता हूँ कि बड़ी सख्त ज़रूरत है और मेरी बेचैनी जब मुझे ज़िम्मेदारी मिली सदारत की तो मेरी बेचैनी बड़ी थी कि ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है विच जिस एक बहुत बड़ी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है इसके अंदर पाकिस्तान का मुकाम क्या है हम थर्ड और सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पीछे रह गए और ये ट्रेन इतनी तेज़ी से भाग रही है कि इसमें पाकिस्तान नंबर्स में भी और क्वालिटी में भी इसके अंदर जंप करना चाहिए तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे महसूस हुई वो और महसूस हो रही है मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है उसका दुख और ये कि उसको कैसे मसले को हल करें इज़ द क्वालिटी ऑफ नॉलेज बीइंग इम्पार्टेड बाय यूनिवर्सिटीज़ मैं ये महसूस करता रहा हूँ सुनता रहा हूँ सिर के सिर हर सेक्टर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं वो मार्केट में से मैच नहीं करता तो पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि अप्रोच करने की ज़रूरत और क्योंकि कई एक यूनिवर्सिटीज़ मेरे पैट्रनेज में है या जिनका चांसलर मैं हूँ उन जगहों पर भी मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि जो मार्केट चाहती है वो प्रोड्यूस करो होता यह है कि आइवरी टावर्स में बैठकर हम उस्ताद बहुत सारे उस्ताद हम एक एकेडमिक एटीट्यूड अपना लेते हैं जिसके अंदर रिसर्च और थिंकिंग एक आज़ाद ख्याल कैफियत अख्तियार करती है विच इज़ नॉट बैड बट ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता उस आज़ाद ख्याल थिंकिंग जिसकी एप्लीकेशन ना हो अब तो हम ये सोचते हैं कि हर रिसर्च जो हो उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी हो ऑफकोर्स हिस्ट्री के अंदर रिसर्च इन चीज़ों की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी इसी वजह से दुनिया के अंदर इस बात पर भी फोकस है कि स्टेम के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हों क्योंकि मुल्क बनेंगे मुल्क जिस एतबार से तरक्की करेंगे उसकी बुनियादें और उसके पिलर्स यहाँ से हैं तो नस्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वेयर दैट कैन टेक ट्रमेंडस मेक ट्रमेंडस प्रोग्रेस अच्छा उसके साथ साथ पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि खपत नहीं है जो हम सिखा रहे हैं तो आज भी एक वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई भी थी जिसमें सारे पाकिस्तान से वाइस चांसलर्स फिजिकली और ऑनलाइन शरीक हो रहे थे तो मैं उनसे भी उन सब ने यही कमेंट किया कि जी मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से होती है कि व्हाट इज़ बीइंग टॉट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट तो मैंने कुछ जगहों पर तो ये कोशिश की कि जो यूनिवर्सिटीज़ की सेनेट है उसके अंदर मार्केट इन्वॉल्व हो मगर सेनेट की मीटिंग्स अगर छः महीने में या साल भर में होती हैं तो मार्केट इन्फ्लुएंस इतना नहीं होता ये बाद में मुझे एहसास हुआ तो लिहाजा मेरी कोशिश ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर इन सबको मोटिवेट करें कि जी मार्केट के एतबार से तुम अपनी ओरिएंटेशन बदलो मार्केट के एतबार से एटीट्यूड्स बदलें मार्केट के साथ खुद ताल्लुक पैदा करें वरना एक इंसान की कैफियत अल्लाह ताला ने दिमाग में ये पैदा की है कि मुझे सब मालूम है और आपके अंदर और मेरे अंदर भी हर एक के अंदर ये टेंडेंसीज हैं और जैसे जैसे ओहदा बड़ा हो जाता है तो ये टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है कि मुझे सब मालूम है मुझे किसी से पता करने की ज़रूरत नहीं है अच्छा बट एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज ऐसी जगह हैं जहाँ पर इल्म इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि उसके अंदर ये एटीट्यूड ना चल सकता है ना आप लोग चलाना चाहते हैं तो लिहाजा मार्केट और फिर मार्केट के साथ जो रिसर्च एक तो ये कि प्रोड्यूस योर ग्रेजुएट्स टू फिट द मार्केट नंबर वन नंबर टू मार्केट्स के अंदर और इंडस्ट्री के साथ जैसे माशाल्लाह हमाद चीमा आपने जिक्र किया कि डिफेंस इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेशन है नस्ट का सो व्हाट एवर यू प्रोड्यूस ऑन टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्री एक्सेट्रा यही चीज़ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हो और दूसरे ये कि हायर एजुकेशन कमीशन ने एक और प्रोग्राम भी सेटअप किया है जिसके अंदर वो मदद करते हैं गाइड करते हैं कि जो रिसर्च यहाँ पर हो गई है उसको मार्केट के अंदर कैसे फ्लोट करें ये तो एक्चुअली कैफियत थी जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मस्ट इम्प्रूव दूसरी चीज़ जो मुझे परेशान कर रही है इज़ द नंबर्स इन पाकिस्तान मस्ट इम्प्रूव
And let me give you statistics which is bothering me particularly since the last 6 months. And one of the reasons I called the Vice Chancellor's meeting today was the fact that only 10% of Pakistani inter-students go into higher education. Allama Iqbal Open University ke Vice Chancellor misal ke taur par aaj ye keh rahe the ki wo 1600 jagahon ke liye ya 1800 jagahon ke liye unke paas 20 ya 30,000 applicants the. अच्छा तो लिहाजा ब्रिक एंड मॉर्टर के अंदर तो यानी अगर मैं नस को कहूं कि आप अपनी तलबा की तादाद डबल कर दें तो जो पुरानी सोच थी वो ये सोच होगी कि हमें जी ऑडिटोरियम बढ़ाने पड़ेंगे, हमें बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी और हमें ज़मीन चाहिए, जो नस के पास माशाल्लाह तो है मगर हर यूनिवर्सिटी के पास नहीं है. तो वो जब इन सारी चीज़ों को चाहिए तो फिर बजट भी चाहिए. तो लिहाजा कहने से पहले आप सोच लें कि 10 अरब रुपये दे सकते हैं तो नंबर बढ़ जाएगा, नहीं दे सकते तो नंबर नहीं बढ़ेगा. बट आई एम इंसिस्टिंग ऑल दो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि लोगों के अंदर एक जहनी इनर्शिया होता है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इनर्शिया और मजबूत हो जाता है ना, बदलने के लिए हम तैयार नहीं रहते. वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स विच आई कैन ऑलवेज टेक इन जेस्ट हियर कि द फैक्ट के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर नॉट अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बट दिस ट्रेमेंडस रेजिस्टेंस. क्यों? क्योंकि हर चेंज के अंदर लोग परेशान होते हैं और घबराते हैं. मगर लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए इन एकेडमिक एज वेल एज पॉलिटिकल एंड नेशनल जो मुस्तकबिल पर प्लेस करे पाकिस्तान को, जो आगे सोचे. जो आज यानी कोविड के हवाले से जो कोविड ने हमें सिखा दिया वो हमें खुद सीख लेना चाहिए था. द टूल्स वर अवेलेबल ऑफ मूक्स of the fact that there are so many courses available throughout the world, knowledge is available, the tools were available. अच्छा और पाकिस्तान ने क्यों नहीं अख्तियार किया? पाकिस्तान ही को तो जरूरत थी, दूसरे मुल्कों ने नहीं किया, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं, हमें अपने से फिक्र है कि क्यों नहीं हमने किया जबकि टूल्स अवेलेबल हैं. आई ऑलवेज एंजॉय सेइंग दैट द फर्स्ट टाइम आई स्पोक ऑन दिस वॉज इन चाइना इन शेंजन इन 2007 के भाई ये जो मूक्स के जरिए और इन चीज़ों के जरिए, मूक्स उस वाले नाम नहीं था कि इन चीज़ों के जरिए एजुकेशन बेहतर की जा सकती है. तो नंबर्स बड़े जरूरी हैं, क्वालिटी नॉट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी. बट एवरी टाइम आई टॉक अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन मेरे जो लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे रखते हैं वो कहते हैं जी क्वालिटी सेक्रीफाइस हो जाएगी. मैं कहता हूँ क्वालिटी साथ साथ, टूल नया है उसके साथ क्वालिटी को साथ साथ चलाना पड़ेगा. टूल नया है, लोगों को शुबा होता है कि जो आपने इंटरनेट पर पढ़ लिया मिसाल के तौर पर वो इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा होगा जितना आप एक्चुअली फिजिकल क्लास में समझें. तो लिहाजा नंबर्स के एतबार से मैंने आपसे कहा कि 10% जाते हैं हिंदुस्तान में, कितने जाते हैं? 26 फीसद. हम किससे मुकाबला करेंगे, कैसे करेंगे? यानी नंबर्स के अंदर भी प्रोपोर्शनेटली वी आर वेरी लेस. प्रोपोर्शनली 8 लाख आईटी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं साल में, प्रोपोर्शनली वेरी लेस. तो इंपैक्ट कैसे होगा आपका? आप छोटी छोटी चीजें कर लेंगे, बड़ी चीजें कौन करेगा? तो लिहाजा मैं समझता हूं कि आपसे इस बात का जिक्र करना था कि आप ही लोग इस बात को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं बमुकाबले इसके के बाहर. फिर दूसरी बड़ी जरूरत कि हर चीज जब डिपेंडेंट है ऑन टू द एयर जिसके अंदर हर किस्म की वेव्स हर चीज को इंटरप्रेट कर रही हैं तो पाकिस्तान इज ससेप्टेबल टू साइबर अटैक्स ऑलवेज डेली. जंगें तो 71 में हुई, 65 में हुई, अभी एक स्कर्मिश हुई जिसमें हमने पड़ोस के मुल्क को मजा चखाया मगर ये जो साइबर की जंग है तो चल ही रही है ना, ये तो रोजाना हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं रोजाना. तो लिहाजा इसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी हो. फिर दूसरे ये कि हमारी जो मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं, अच्छा सिर्फ फोर्सेस को भी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अहमियत के जो हमारे मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं वो इस काबिल रहें अंडर एन अटैक टू स्टिल कंटिन्यू वर्किंग. बट एट द सेम टाइम आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपके यूटिलिटीज, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट के कोई जैम कर दे. और साइबर वॉर्स आपने देख लिया हो रही हैं बिटवीन ईरान एंड इसराइल, आपने पिछले दिनों सब कुछ पढ़ा होगा. तो लिहाजा मेरी बहुत बड़ी कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा हम डिफेंस सिस्टम भी क्रिएट करें जो ब्रिक एंड मॉर्टर वाला नहीं, बड़ा महंगा रास्ता है वो,
तो ये जो आपने एंटेनास की बात की यहां पर, तो मुझे खुशी हुई देखकर के प्रोग्रेस इज बीइंग मेड, बट हाउ फास्ट द इशू इज के ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इज नीडेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आई डोंट नो, मैं तो सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं कि स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, नंबर्स बढ़े, और नंबर्स बढ़ने के बाद आप जो निकलें तो फिर यू शुड हैव एन एज. And an intellectual edge is far easier than an edge of finances, or far easier the edge of brick and mortar defences. So intellectual edge, agar hum akhtiyar karein, aur aap hi ke taalimi nizam se is baat ka imkan hai. To main samajhta hu ki sabse badi cheez jo artificial intelligence ke programs ke upar maine focus kiya, is change making the intellect realize ki there needs to be a paradigm shift in thinking. सबसे अहम चीज आपका फैसला करना, आपको ट्रेंड्स रिकग्नाइज करना मुस्तकबिल के, और अपनी कौम को तैयार करना. देयर इज अ फ्रीक्वेंट एग्जांपल व्हिच आई यूज, एंड इनफैक्ट आई यूज इट, ये जो सुपारको के अंदर अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, एंड आई डिडंट रियलाइज कि जब जिस मुल्क की मैं तारीफ कर रहा हूं उसका एक बंदा बैठा था और मैं उर्दू में तकरीर कर रहा था, उसके बाद उसने दूसरों से पूछा कि व्हाट डिड ही से. तो मैं मिसाल ये दे रहा था कि लीडरशिप की फर्क बता रहा हूं आपको. एस्टोनिया लिथुनिया एक ही वक्त में आजाद हुए. फिनलैंड ने ये कहा कि हमारे पास एक एनालॉग टेलीफोन पीएबीएक्स सिस्टम है जो हम अपने यहां से निकाल रहे हैं, और एक तुमको देंगे और एक तुमको देंगे. तो लिथुनिया एक्सेप्टेड इट, एस्टोनिया ने कहा नहीं हम डिजिटल जाएंगे. एंड कैन यू इमेजिन, वो मुल्क दोनों साथ आजाद हुए, भाई एस्टोनिया का फुटप्रिंट इन आईटी इज ह्यूज कंपेयर टू इट्स साइज. अच्छा, ये वो कैफियत है कि लीडरशिप मेक्स अ डिसीजन. इतनी अहम है लीडरशिप आपके डायरेक्शन के एतबार से, आपको रास्ता दिखाने के एतबार से. तो मैं मेरी कंसर्न फिर ये हुई कि जी चिप डिजाइन के हवाले से क्या हो. तो इनफैक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, विद इन द नेक्स्ट टू वीक्स, आई एम हैविंग अ मीटिंग. आई मीट एवरी मंथ विद द सिलिकॉन वैली पीपल एंड बिग people who have made a big name and invested a lot in US particularly, वहाँ के ambassador बैठते हैं, ये 30-35 लोग ये बैठते हैं, और यहाँ से हमारे यहाँ ministry of commerce और ये ministry state bank, ताकि उनको आसानी हो investment की. They make a statement, बड़ा अहम statement जो आज मैंने फिर narrate किया. Every one of them makes a statement कि अगर आप 1,00,000 graduates produce करें तो we would like to use them in Pakistan. एवरी वन अलग अलग 1,00,000 की डिमांड कर रहा है. तो लिहाजा आप तो सोना है इस मुल्क के लिए है, बट वो नंबर्स भी मैं समझता हूं सोना हो. तो हम सोच ये रहे थे, आते ही हमने ये बात की कि यार ये चिप डिजाइन का और चिप मैन्युफैक्चरिंग का, तो लोगों ने जाहिर है ये ऑब्वियसली कि चिप मैन्युफैक्चरिंग तो एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है, बट स्टिल आई आस्क्ड देम पुट अ नंबर फिगर ऑन दैट कि पाकिस्तान अगर इस तरफ जाएगा. तो उस वक्त किसी ने यह सजेस्ट किया कि अराउंड 400-500 मिलियन डॉलर्स वुड बी द स्टेपिंग स्टोन इनटू द चिप मैन्युफैक्चरिंग एरा. बट एट द सेम टाइम चिप डिजाइन के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स के डिजाइन के लिए पाकिस्तान के अंदर भी काम हो रहा है. आप माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर वर्किंग ऑन दैट. बट एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना पड़ेगा. देयर इज फ्रॉम व्हाट आई हियर Taiwan in fact leads that whole thing, and TSMC the company in Taiwan manufactures, usne Intel wagara ko piche chhod diya over the last 10-15 years, is the biggest manufacturer of chips. At the same time other, jaise aapne bataya na, countries are investing into this. US for example not 50 but $52 billion isme dal raha hai. India ka, I was surprised to hear the figure of $10 billion being put into this. But at ye dekho, duniya itni tezi se tarakki kar rahi hai ke hamare liye ye bhi ek moon shot hai ke hum chip manufacturing ki taraf jaye. Aapki security usi se related hai. Jo warfare hai uske andar you never know what back doors are left on a number of things. You see, sometimes it is such a complicated circuitry and software design के उसके अंदर backdoors का पता चलना कभी कभी शायद इसका इम्कान नहीं हो. तो लिहाजा हमारी security के लिए तो बेइंतहा ज़रूरी है कि हम अपना chip design भी करें और फिर manufacture भी करें. मैं ये समझता हूँ कि ज़माना तो उससे भी आगे चला गया ना. ज़माना has gone into quantum computers,
एंड रिसेंटली द 52 क्यूबिट कंप्यूटर जो गूगल का था उसके मुकाबले में IBM इन सेप्टेम्बर हैज अनाउंस 127 क्यूबिट कंप्यूटर विद साइकोमोर चिप. और फिर प्लान ये कर रहे हैं कि ईगल ये ईगल ने गूगल का साइकोमोर चिप था ये इसका IBM का ईगल चिप था. फिर कॉन्डोर के एतबार से भी सोच रहे हैं कि समथिंग अराउंड 1000 क्यूबिट. अच्छा ये तो बाकी चीज़ों को तो बहुत तेजी से पीछे छोड़ जाएगी. दिस इज ह्यूज. आप लोग तो साइंटिस्ट हैं आप ज़्यादा जानते हैं. आई जस्ट गेट रीड एंड गेट फैसिनेटेड बाय द फैक्ट दैट यूटिलाइजिंग द क्वांटम प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट ऐसा ऐसा काम किया जा सकता है जो इंसान के अपने तस्वुर में नहीं है. मगर मेरी और आपकी ज़रूरत क्या है. जब इन्होंने नीश की बात की तो मेरा हमाद आई नो फॉर अ लॉन्ग टाइम माई नेफ्यू फायज करीम इन लोगों ने कहा कि आप आएँ ज़रूर इसके अंदर. तो मैं तो वैसे ही खुश रहता हूँ फैसिनेटेड रहता हूँ इन चीज़ों से. तो मैं कहा ज़रूर ज़रूर आएंगे. बट आई शेयर विद यू पाकिस्तान्स कंसर्न. ये तो आप अपनी रोज़ी के लिए पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी रोज़ी कमाएंगे. मगर मुझे तो ये इंटरेस्ट है कि आपकी तादाद के अंदर और आपकी ताकत के अंदर इतनी तेज़ी से बढ़ावा मिले कि पाकिस्तान एक नाम अपना क्रिएट करे. और ये ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं है इस ज़माने में. आपने ये सारा IT के डेवलपमेंट देखा है 10-15 साल की बात है. छोटे छोटे कंट्रीज़ की मैंने आपको मिसाल दी कि ये छोटे छोटे कंट्रीज़ का फुटप्रिंट इतना बड़ा है. तो पाकिस्तान के अंदर जो यूथ बल्ज है उसको अगर एजुकेशन की तरफ रागिब करके ये 10% से ज़्यादा हम जंप करें कि वो हायर एजुकेशन के अंदर आए स्किल्स दें तो दुनिया को बेइंतहा ज़रूरत है लोगों की स्किल्स. हम रॉ लेबर एक्सपोर्ट करते हैं. व्हाट इज़ द फन इन दैट. लोगों को थोड़ी थोड़ी स्किल्स देकर भी आप उनसे काम लें अपने मुल्क में लें. ये एक्सपोर्ट का सिस्टम ऑफ लेबर एंड इंटेलेक्ट ऑन द माइंड्स शुड एंड. Your mind should be working for your country, should be constructing your country, developing your country. To lehaza, the world is open. Lehaza, prospects are brilliant. Pakistan is at the crossroads of understanding ke what is possible in the world. And I believe the fifth most populous country in the world with a huge youth bulge. Uske andar hum insaaf nahi karenge agar hum is baat par कोशिश ना करें कि विद इन 2 to 3 years देर हैव टू बी मेजर चेंजेस इन पाकिस्तान. एंड आई एम श्योर कि कोई चीज़ देखें जहां आपके पास स्किल सेट्स आ जाते हैं आप ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस करते हैं. वेदर इट वॉज यूरेनियम एनरिचमेंट टास्क विच वॉज गिवन इन फॉर एंड यू परफॉर्म्ड इन 6 or 7 years. वेदर इट वॉज कोविड एंड यू मैनेज टू हैंडल इट. तो यू आर अ ग्रेट पीपल एंड अ ग्रेट कंट्री. सही रास्ते पर सही अंदाज से चलते हैं. वी कैन टर्न एवरीथिंग अराउंड. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन.